लव मैरिज है आप लोगों की? हाँ डेफिनेटली, ज्यादा पसंद तो मैं ही करता था। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ मुलाकात करते थे? चले इस किस्से पे बाद में आते, पहले ही बताएं कि जब किया तब कहाँ किया। एक्चुअली मैं भी लाहौर में था पढ़ा, तो ये भी लाहौर में, हमारा कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, ये इनका NCA था, तो बस वो इत्तेफाक लिखा होता है तो जोड़े आसमानों में बने हुए होते हैं। अच्छा, लेकिन जिस टाइम इन्होंने मुझे देखा था ना, इन्होंने मुझे एक स्माइल पास की थी गुजरते हुए, उसके बाद कभी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बाद में ना इनकी सिस्टर हमारे घर आई रिश्ता लेने के लिए। और उस स्माइल पे पहले आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि जितनी दबंग आप हैं ना, अगर आपको कोई ऐसे स्माइल पास कर दे तो फिर अल्लाह ही खैर करे उसका। एक और लड़की खड़ी थी और वो कौन थी? नहीं, वो जो 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 लड़की खड़ी थी ना, किरण यकीन करें, मैं जिस आदमी के साथ ज्यादा इधर उधर लड़कियां खड़ी हो ना, मैं उसकी ज्यादा इज्जत करती हूँ। मैं समझती हूँ इसका मतलब है कि वो लड़कियों का खवातीन को रिस्पेक्ट देता है तो खवातीन साथ खड़ी है ना। वरना तो देखो, किरण अल्लाह ताला ने खवातीन को इतनी सेंस दी हुई है कि जो ठीक नहीं होते उन मर्दों से खवातीन दूर भागती हैं। डरते हैं आप मिनिस्टर साहिबा से, ऐसा महसूस हुआ मुझे। नहीं, डरना तो हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, हर शरीफ आदमी डरता है। बहरहाल ये कि मैं पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उसमें गाइडेंस मेरी होती है। कहीं पे अगर मैथमेटिक्स इसकी बिल्कुल वीक है ना, मतलब जीरोस का पता नहीं होता। जब भी कोई होता है कि 25 लाख में कितने जीरो आते हैं, वैसे सीरियसली, बल्कि मैंने इनको एक वो हमारे एम्बेसडर और डीजी खान के बच्चे, उन्होंने सैरी का एहतमाम किया था, तो मैं उनको एक सैरी के पैसे देना चाह रही थी कि वो हम मेरी तरफ से कर लें। तो मैं उधर जब जीरो लिख रही थी 25 के साथ, तो मैंने इनसे कहा, खान साहब जरा आके देख लें, ये ना मैं 25 लाख का चेक दिए बैठी हूँ ना। तो ये कर, तो उसकी ये रमज़ान के साथ साथ ईद भी हो जाती। तो आप दोनों का ताल्लुक सियासत से है, कोई परेशानी नहीं हुई सियासतदान खातून से शादी करते हुए? नहीं, ये सियासतदान खातून नहीं थी, ये जब शादी करके आई उसके बाद फिर सियासतदान। अच्छा, तो इसमें आपका किरदार ज्यादा है कि ये सियासत में आए? बेसिकली इलेक्शन लड़ना मैंने था, मैं आपको वही मैं आपको बात बता रहा था, इलेक्शन मैंने लड़ना था। ये मेरी सपोर्टिव आप कह लेना कि वुमेन मीटिंग हो गई, उस हवाले से ये एक्टिव थी। तो जब इलेक्शन की बात मैं वही बता रहा था, 2013 में PTI को कैंडिडेट नहीं वहाँ अवेलेबल था, तो NA के ऊपर मैंने इनके कागजात खुद ही मैंने किए कि अगर कोई बंदा नहीं होगा, ये ना हो कि पार्टी की बेइज्जती हो जाए। कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल खातून से मुश्किल है शादी मैं होना बताता हूं या मैं उस साइड पे आ रहा हूँ। तो इनको फिर मैंने इनसे वादा भी किया था ना, कि मैंने कहा था कि आपको ना असम्बली में मैं पहुँचाऊँगा किसी भी तरीके से, ये इनको भी याद होगा शायद। तो खैर, इनको इलेक्शन लड़वाया, मैंने भी इलेक्शन लड़ा। अब ये है कि हल्के की जिम्मेवारी जो होती है ना, ये ज़्यादातर टॉक शोज़ हो गए, मिनिस्ट्री हो गई, उसकी तरफ वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। हल्के के अंदर खैर 3 दिन वहाँ पे भी जाती हैं, मैं भी होता हूँ, तो सपोर्ट इस हवाले से मतलब एक थोड़ी सी ना लाइफ डिफरेंट हो गई है। किरण मैम के बाबत तो हमारा ये बेनिफिट है, हम दोनों पॉलिटिशियन हैं। मैं खुद मतलब ISF का हिस्सा थी, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्गेनाइजर थे बिफोर आर मैरिज। We were both Prime Minister इमरान खान, अब उस वक्त वो Prime Minister नहीं थे, We were both his follower। मैं समझती हूँ कि अगर आप एक ही फील्ड में हैं दोनों, तो शायद एक दूसरे को ज्यादा बेनिफिट है, आपको बेनिफिट है, आपको उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। और फिर मैं ये तो ये समझती हूँ कि अगर हमें तो गोल्डन कपल कहते थे, हम दोनों जब फील्ड में जाते थे ना, तो ये अपना गुर इस्तेमाल करते थे, अपना जो इनकी है और मैं अपना।